जितना मन को पवित्र रखेंगे उतना ही भगवान के करीब रहेंगे, क्योंकि पवित्रता ईश्वर को बहुत पसंद है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से समझेंगे अग्नि तत्व की कौन कौन सी राशियां हैं। कहीं आपकी राशि अग्नि तत्व की तो नहीं है? अग्नि तत्व की राशियों की क्या विशेषताएं होती हैं और अग्नि तत्व की राशि वालों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती चली जाए, इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो आज क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहे? जी, दिनांक 28 अगस्त 2024, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 3:53 तक चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं अग्नि तत्व की राशियों के बारे में। पंडित जी, अग्नि तत्व की कौन कौन सी राशियां हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं? पहले के अंकों में हमने आपको पृथ्वी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व की राशियों के बारे में बताया है। आज बारी आती है अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व की राशियां कौन सी हैं? देखिए, ज्योतिष में 3 राशियों को अग्नि तत्व की राशियां माना जाता है। ये राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। इन राशियों के अंदर ऊर्जा और अग्नि काफी ज्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए इनको अग्नि तत्व की राशि कहा जाता है। अग्नि तत्व की जो तीनों राशियां हैं, इन तीनों राशियों के लिए सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अग्नि तत्व की जो राशियां हैं वो सामान्यतः साहसी, नेतृत्व करने वाली और क्रोध करने वाली राशियां मानी जाती है, लेकिन जीवन में जो कॉन्फिडेंस है, जो साहस है, जो ताकत है और जो ऊर्जा है, वो सबसे ज्यादा अग्नि तत्व की राशियों के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है।
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम अपने निपटा लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मिथुन राशि की, बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अग्नि तत्व की राशियां हमारे जीवन पर क्या असर डालती हैं, पंडित जी से हम समझ रहे हैं। पंडित जी, अग्नि तत्व की पहली राशि कौन सी है और इसकी क्या खासियत है? बात करते हैं अग्नि तत्व की पहली राशि के बारे में। अग्नि तत्व की पहली राशि है मेष राशि, एरीस। मेष राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं मंगल हैं और मेष राशि सूर्य की सर्वाधिक प्रिय राशि मानी जाती है। मेष राशि में सूर्य सबसे ज्यादा बलवान होते हैं, इसीलिए ये राशि सूर्य की बहुत प्रिय राशि है। मेष राशि में ऊर्जा बहुत है, साहस बहुत है, नयापन, नई चीजें और चंचलता की स्थिति भी बहुत है। मेष राशि वालों के पास साहस बहुत होता है, थकते नहीं हैं, लगातार काम करते हैं और नई नई चीजें खोज कर सोच करके ले आते हैं। लेकिन इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अस्थिर दिमाग, यानी इनका मन और इनका दिमाग किसी भी तरह से स्थिर नहीं होता है। अगर आपकी राशि मेष है तो आपको सलाह लेकर के एक मोती पहननी चाहिए, एक चांदी की अंगूठी में बनवा करके अगर आप मोती पहने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान की पूजा करें तो इससे भी आपका फायदा ज्यादा होगा। अब बात कर्क राशि की, चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की,
सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस की समस्या हल होगी, शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की, बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, करियर की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, थोड़ी दौड़ भाग रह सकती है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो अवश्य पूछिएगा। उसके पहले आपको बता दे कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिए, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताएंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और साथ ही ऐसा क्यों देखना ना भूलें, क्योंकि ऐसा क्यों में हम जानेंगे शास्त्र क्या कहता है हमारे डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज़ों के बारे में। और शुभ मंगल सावधान अवश्य देखें, क्योंकि शुभ मंगल सावधान में हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न जैस्मिन कौर ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। 31 अगस्त 2005 का जन्म है, 12:44 दोपहर को दिल्ली। ये कह रही हैं कि मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, क्या मुझे सफलता मिल सकेगी? जैस्मिन, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहें, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहें, या अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहें तो मेडिकल या नर्सिंग के क्षेत्र में आपको बेहतर सफलता जरूर मिल सकती है। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 12-14 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में, सोमवार की रात को गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। अग्नि तत्व की दूसरी राशि कौन सी है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आपने पहली राशि के बारे में बताया जो अग्नि तत्व की है, दूसरी कौन सी राशि है और उसकी क्या खास बातें हैं? अब बात करते हैं अग्नि तत्व की दूसरी राशि के बारे में, और अग्नि तत्व की दूसरी राशि का नाम है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। सूर्य अग्नि राशियों के बड़े करीबी होते हैं, लेकिन सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य ही हैं।
इस राशि को अग्नि तत्व की प्रमुख राशि माना जाता है। सिंह राशि फायर की अग्नि तत्व की सबसे बड़ी राशि है। इस राशि को नेतृत्व, साहस वाली राशि, संघर्ष वाली राशि और राजनीति करने वाली राशि माना जाता है। सिंह राशि वालों के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुश्किल से मुश्किल समय आ जाए, ये पीछे नहीं हटेंगे, चट्टान की तरह समस्या के सामने खड़े हो जाएंगे। और इस राशि के लोग, सिंह राशि के लोग ज्यादातर समाज का नेतृत्व करते हैं। लीडरशिप कैपेसिटी, नेतृत्व करने की क्षमता सिंह राशि वालों में बहुत होती है। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे सब आता है, मैं सब कर लूंगा, मैं सब जानती हूं, मैं सब जानता हूं, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो इनको अक्सर बड़ी मुश्किल में डाल देता है। अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस को कम कर लें तो सिंह से ज्यादा ताकतवर राशि कोई और है ही नहीं। सिंह राशि वालों को सलाह लेकर के एक मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा धारण करना इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और इस राशि के लोगों को सुबह और शाम कम से कम 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे लाभ होने की, फायदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम अपने निपटा लेने चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी आप टाल दीजिए, ऑफिस में विवादों से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अग्नि तत्व की दो राशियों के बारे में हम जान चुके हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से तीसरी राशि कौन सी है। पंडित जी, दो राशियों के बारे में आपने बताया अग्नि तत्व की, तीसरी राशि कौन सी है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? अब बात करते हैं अग्नि तत्व की तीसरी राशि के बारे में, और अग्नि तत्व की तीसरी राशि है धनु, सेजिटेरियस। क्या खास बात है इसकी? धनु राशि के जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति, और धनु राशि वालों के लिए भी सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सूर्य अगर इनका बेहतर है और इनकी राशि धनु है तो ये जीवन में भाग्यवान जरूर होते हैं। धनु राशि वालों के पास साहस, ज्ञान, गणना यानी कैलकुलेशन और नेतृत्व लीडरशिप का गुण पाया जाता है। इस राशि का जो प्रतीक है धनु का, अगर आप देखिए तो आधा घोड़ा आधा इंसान है, और उस इंसान ने हाथ में धनुष लिया हुआ है। धनुष का मतलब युद्ध करने को तैयार है। इसीलिए धनु राशि के लोग सेना में, पुलिस में, इंटेलिजेंस में, ज्यादातर ताकत वाले क्षेत्रों में या पावर वाले क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। धनु वालों की खास बात सबसे क्या है? हर समय युद्ध करने को तैयार हैं। इसीलिए धनु वालों के साथ तालमेल बैठा पाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर तालमेल बैठ गया तो धनु वाले बड़े अच्छे पति, बड़ी अच्छी पत्नी, बड़े अच्छे सहयोगी साबित होते हैं। धनु राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अगर ये क्रोध में आ गए तो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, बेवजह चीजें बिगड़ जाती हैं। इसीलिए इनको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। धनु राशि वालों को सलाह लेकर के एक माणिक्य पहनना चाहिए, रूबी, और इस राशि के लोगों को भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। धनु राशि के लोग जितना सूर्य की उपासना करेंगे जीवन में उतने ही ज्यादा गंभीर बनेंगे और उतना ही ज्यादा जीवन इनका अच्छा होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, भगवान गणेश की जब भी हम पूजा करते हैं तो दूर्वा चढ़ाते हैं, ऐसा क्यों है कि भगवान गणेश जी को दूध चढ़ाई जाती है? हम सब ने अक्सर देखा है कि भगवान गणेश को पूजा के दौरान दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा क्यों? पुराणों में एक राक्षस की कथा आती है, अनलासुर। अनलासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान गणेश ने उसको निगल लिया और उसके ताप से इनके पेट में जलन होने लगी। उस जलन को शांत करने के लिए उनके भक्तों ने उन्हें दूर्वा दिया, जिसको खा करके उन्हें आराम मिल गया। तब से एक परंपरा चली आ रही है कि भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना जरूरी है, बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा संपूर्ण नहीं होगी। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी,
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, अभी नौकरी में कोई रिस्क कोई जोखिम मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आपके करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 2, जीवन की समस्याएं आपकी हल होंगी। नंबर 3, आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 6, रिश्तों पर इस समय ध्यान दें। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, मानसिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। और नंबर 9, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। अब वक्त है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की उपासना करें, उनके मंत्रों का जप करें, उनकी आरती करें। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का अंतिम प्रश्न प्रियंका जी ने हमें पंजाब से लिखा है। 2 जनवरी 1983 का जन्म है।
4:50 दोपहर में जगराम पंजाब। ये कह रही हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रही हूं, कॉन्ट्रैक्ट पर, मेरी नौकरी कब तक पक्की हो पाएगी और भविष्य कैसा रहेगा। प्रियंका, आपकी कुंडली है मिथुन लग्न की और आपकी राशि है कर्क, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। जुलाई 2025 के पहले शिक्षा क्षेत्र में आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी और उस परमानेंट नौकरी के लिए हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन भी थोड़ा सा हो जाए, लेकिन करियर और जीवन की स्थिति जुलाई 25 के बाद बहुत ही बढ़िया है और अभी से प्रयास करिए जुलाई 25 के समाप्त होने के पहले आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी सौंफ खा करके घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हरी इलायची खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, जमीन, जायदाद, आभूषण, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? जी, बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं तनाव दूर होंगे, मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को। दुर्घटना हो सकती है, काम बिगड़ सकते हैं, वाद विवाद की नौबत आ सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।